हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की रेसिपी है लौकी, जो मैं बड़ी के साथ बनाऊंगी। बड़ी मतलब उड़द दाल से बनती है बड़ी, उसी से मैं आज लौकी बनाऊंगी। ये बहुत टेस्टी बनती है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई को चढ़ा दिया, गैस को भी ऑन कर दिया। अब जो बड़ी है ना, इसको पहले मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। इसको पहले ड्राई रोस्ट इसलिए करना है ताकि ये तेल एकदम से ज़्यादा सोख लेता है, इसलिए पहले इसको ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद इसको ऑयल से हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बड़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हमने जितना ऑयल डाला था उतना ही ऑयल रह गई है, क्योंकि पहले हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब मैं इसमें एक तेजपत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, दो इलायची और दो लौंग और एक दालचीनी डाल दिया, और एक चम्मच मैंने जीरा भी डाल दिया। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने इसमें एक चम्मच अदरक भी डाल दिया, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब मैं थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल दिया, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें लौकी को भी डाल दिया, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं ढक दूंगी, ढक के इसको पका लेंगे। देखिए इसमें से कितना सारा पानी निकल के आया। पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला, इसी पानी में लौकी से जो पानी निकलेगा इसी पानी में ये एकदम से अच्छे से बॉईल हो जाएगी। अब हम इसको ढक ढक के इसको पका लेंगे। देखिए एकदम बॉईल हो गई है लौकी। अब मैं इसमें जो बड़ी है ना वो मैं डाल दूंगी, थोड़ा सा मिला लेंगे इसको। अब मैं फिर से इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। अब देखिए अच्छे से ये बन गई है, लौकी भी हमारा अच्छे से पक चुकी है और जो बड़ी है ना वो भी सॉफ्ट हो गई है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ दूंगी। अब मैं एक चम्मच शुगर डाल दूंगी और थोड़ा सा घी और धनिया पत्ता भी डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब मैं ऊपर से ग्रीन चिली भी डाल दूंगी। ये हमारा बनके रेडी है। ये जितना सिंपल है खाने में उतना ही टेस्टी है।
मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। रेडी टू सर्व, एंजॉय।